सो गाइस आईपीएल 2022 का मैच नंबर 31 रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच जो है 19 अप्रैल को शाम को 7:30 बजे मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में खेला जाएगा। दोनों टीमें अपना पिछला मुकाबला जीत कर आ रही, तो यहां पर कौन सी टीम को अब हार का सामना करना पड़ेगा सबसे बड़ा सवाल है। तो आज की स्टूडियो में हम दोनों टीमों की प्लेइंग 11 को कंपेयर करने वाले, कौन सबसे ज्यादा बेहतर लग रहा है ऑन पेपर, टॉप रन स्कोरर की बात करने वाले, टॉप विकेट टेकर की बात करने वाले और आखिरी में हम प्रेडिक्शन भी करने वाले। तो बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो बनाने वाली है, एंड तक जरूर देखना। और दोस्तों अगर आप भी आईपीएल के जबरे वाले फैन हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि मेरे लेटेस्ट आने वाली वीडियो आप तक पहुंच जाए, क्योंकि आखिरी में हम टॉप रन स्कोरर और टॉप विकेट टेकर की भी बात करने वाले। तो फटाफट से शुरू करते हैं। सो गाइस अब प्लेइंग 11 के कंपैरिजन पर आ जाते हैं और सबसे पहले हम ओपनर्स की बात कर लेते हैं। तो आरसीबी की तरफ से ओपन करने आने वाले हैं फाफ डुप्लेसिस के साथ अनुज रावत और लखनऊ की तरफ से केएल राहुल के साथ क्विंटन डीकॉक। तो लखनऊ के ओपनर्स ने मिलकर जो है पिछले 3 मैचेस में जो है 270 रन बनाए हैं और आरसीबी के ओपनर्स ने पिछले 3 मैचेस में 110 रन बनाए हैं। तो यहां पर साफ-साफ पलड़ा भारी जो है मतलब लखनऊ की टीम का लग रहा है, 270 रन बनाए हैं। केएल राहुल ने बहुत ही तूफानी पारी खेली थी, शतक लगाया था पिछले मैच में और अच्छा खेले थे और क्विंटन डीकॉक की तरफ से भी लगातार परफॉर्मेंस आ रहा है, लेफ्ट और राइट कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा चल रहा है। और अगर हम आरसीबी की बात करें तो आरसीबी की टीम में जो है पिछले 2 मैचेस से जो है अनुज रावत और डुप्लेसिस का परफॉर्मेंस नहीं आया है, होपफुली है कि अगले मैच में जो है अच्छा परफॉर्मेंस दे अपनी टीम की तरफ से। तो यहां पर ओपनिंग की अगर हम बात करें कंपैरेटिवली तो यहां पर लखनऊ की टीम बहुत ज्यादा आगे लग रही है। तो गाइस अब मिडिल ऑर्डर की बात कर लेते हैं तो आरसीबी की तरफ से नंबर 3 पर विराट कोहली, नंबर 4 पर ग्लेन मैक्सवेल और नंबर 5 पर दिनेश कार्तिक। वही हम लखनऊ की बात करें तो नंबर 3 पर मनीष पांडे, नंबर 4 पर मार्कस स्टोइनिस और नंबर 5 पर दीपक हुड्डा। तो यहां पर अगर हम मिडिल ऑर्डर का कंपैरिजन करें तो पिछले 3 मैचेस में आरसीबी ने मिलकर जो है 233 रन बनाए हैं और एलएजी की तरफ से 117 रन आए हैं। तो यहां पर साफ साफ पलड़ा भारी आरसीबी की टीम का लग रहा है। पिछले मैच में ग्लेन मैक्सवेल जो है परफॉर्मेंस में आ चुके हैं, बहुत अच्छी पारी खेली थी 55 रन की। दिनेश कार्तिक द फिनिशर भी बहुत अच्छा खेल रहे हैं, 66 रन पिछले मैच में बनाए थे, अच्छा फिनिश दिया था इन्होंने। और विराट कोहली को थोड़ा सा टाइम लगेगा फॉर्म में आने में, लेकिन होपफुली है कि कमबैक कर ले ये। और अगर हम लखनऊ की बात करें तो लखनऊ की टीम में जो है मनीष पांडे की एंट्री हो सकती है, मतलब हो चुकी है, पिछले मैच में बहुत अच्छा खेले थे और मार्कस स्टोइनिस और दीपक हुड्डा भी ठीक ठाक कॉन्ट्रीब्यूशन दे सकते। तो यहाँ पर मिडिल ऑर्डर में जो है आरसीबी की टीम आगे लग रही है। तो गाइस अब लोअर ऑर्डर की बात कर लेते तो आरसीबी की तरफ से नंबर 6 पर सुयश प्रभु देसाई, नंबर 7 पर शहबाज अहमद और नंबर 8 पर वनिंदु हसरंगा। भाई हम एलएजी की बात करें तो नंबर 6 पर आयुष बदोनी, नंबर 7 पर करुणाल पांड्या और नंबर 8 पर जेसन होल्डर। तो आरसीबी के लोअर ऑर्डर ने मिलकर जो है पिछले 3 मैचेस में 189 रन बनाए हैं और एलएजी की तरफ से जो है 112 रन आए हैं। तो यहां पर आरसीबी की टीम में जो है एक्स्ट्रा बैटिंग डेप्थ दिख रहा है, सुयश प्रभु देसाई के आने से अच्छा खेल रहे थे और शहबाज अहमद भी लगातार परफॉर्मेंस दे रहे हैं एज अ फिनिशर, बहुत अच्छी पारी खेल रहे दिनेश कार्तिक के साथ। और वनिंदु हसरंगा गेंद के साथ तो परफॉर्मेंस बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन बल्ले के साथ इनको भी परफॉर्मेंस देना पड़ेगा। वही हम लखनऊ की बात करें तो लखनऊ की टीम को इतने मौके नहीं मिले क्योंकि विकेट ज्यादा नहीं गिर रहे लखनऊ की टीम के। तो अगर हम लोअर ऑर्डर का कंपैरेटिवली कंपैरिजन करें तो यहां पर करंट परफॉर्मेंस के आधार पर आरसीबी की टीम आगे लग रही है। आपके हिसाब से कौन अच्छा है, आप भी अपनी राय जो है कॉमेंट बॉक्स में दे सकते हो। तो गाइस अब बॉलर्स का कंपैरिजन कर लेते हैं तो आरसीबी की तरफ से नंबर 9 पर हर्षल पटेल, नंबर 10 पर जॉश हेजलवुड और नंबर 11 पर मोहम्मद सिराज। भाई हम एलएजी की बात करें तो नंबर 9 पर दुश्मनता चमीरा, नंबर 10 पर आवेश खान और नंबर 11 पर रवि बिश्नोई। तो गेंदबाजों की बात करें तो आरसीबी के गेंदबाजों ने मिलकर जो है पिछले 3 मैचेस में जो है 19 विकेट लिए हैं और एलएजी के गेंदबाजों ने मिलकर जो है 18 विकेट लिए। तो यहां पर आरसीबी की टीम थोड़ी सी हल्की सी आगे है। पिछले मैच में जो है जॉश हेजलवुड का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा आया था, 3 विकेट लिए थे और अच्छी गेंदबाजी करी थी। और मोहम्मद सिराज भी अच्छे चल रहे हैं, इनका भी इकोनॉमी बहुत कम है और हर्षल पटेल की वापसी हो गई पिछले मैच में। वही हम एलएजी की बात करें तो आवेश खान की गेंदबाजी पिछले मैच में बहुत अच्छी चमकी थी, 3 विकेट लिए थे, मैच विनिंग परफॉर्मेंस दिया था। और रवि बिश्नोई और दुश्मनता चमीरा जो है एज इट इज रहने वाले। तो यहां पर गेंदबाजी के मामले में जो है दोनों टीमें अच्छी लग रही है। आपके हिसाब से कौन सी टीम की गेंदबाजी चलेगी इस मैच में, कौन चल रहा है, आप भी अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। तो गाइस दोनों टीमों का लाइनअप जो है कुछ इस तरह से सेट हो रहा है इस मैच के लिए, कोई भी चेंजेस नजर नहीं आ रहे हैं। दोनों टीमें जो है सेम प्लेइंग 11 के साथ उतरने वाली है, आरसीबी की टीम में कोई भी चेंजेस नहीं है और एलएजी भी अच्छा खेलकर आ रही है। अब बात कर लेते हैं प्रेडिक्शन की कि भाई साहब कौन जीत रहा है इस मैच को। तो मेरे हिसाब से रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम इस मैच को जीत सकती है। आरसीबी की टीम की तरफ से जो है दिनेश कार्तिक का परफॉर्मेंस अच्छा आ रहा है, गेंदबाजों की तरफ से भी परफॉर्मेंस बहुत अच्छा आ रहा है और एलएजी का परफॉर्मेंस भी पिछले मैच में अच्छा दिखा था, कप्तान केएल राहुल क्विंटन डीकॉक अच्छी पारी खेल रहे हैं। थोड़ा सा मिडिल ऑर्डर यहां पर कोलैप्स कर रहा है एलएजी की टीम का, लेकिन होपफुली कमबैक कर लेगी एलएजी की टीम भी। तो मेरे ही प्रेडिक्शन जो है आरसीबी के साथ जारी है, आपकी क्या प्रेडिक्शन है, आप भी अपनी प्रेडिक्शन जो है कमेंट बॉक्स पे दे सकते हो। अब बात कर लेते हैं टॉप रन स्कोरर की कि भाई साहब कौन बना रहा है इस मैच में सबसे ज्यादा रन। तो मेरे हिसाब से कप्तान फाफ डुप्लेसिस जो है सबसे ज्यादा रन बना सकते हैं इस मैच में, क्योंकि पिछले मैच में तो परफॉर्मेंस नहीं आया था, लेकिन मेरे हिसाब से इस मैच में सबसे ज्यादा रन बना सकते हैं। टॉप विकेट टेकर की बात करें तो आवेश खान जो है सबसे ज्यादा विकेट ले सकते हैं इस मैच
मैच में। आवेश खान की गेंदबाजी आपने पिछले मैच में देखी होगी, मुंबई के खिलाफ जो है ढेर कर दिया था, एमआई की पलटन को जो है मतलब ढेर कर दिया था। तो ये तो था पूरा ओवरऑल प्रीव्यू। आपके हिसाब से कौन जीत रहा है इस मैच को, क्या लखनऊ की टीम जीतेगी या फिर बेंगलोर की टीम, आप भी अपनी राय जो है कॉमेंट बॉक्स में दे सकते हो। तो बस इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय। वीडियो को लाइक और शेयर कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि मेरे लेटेस्ट आने वाले वीडियो सब तक पहुंच जाए। तो बाय बाय।